पिछले 23 दिनों से जिले के पटवारी तहसील कार्यालय में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बुधवार को उनकी हड़ताल को समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री और कसरावत विधायक सचिन यादव घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पटवारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि पटवारी जमीनी स्तर तक योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी है, प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पटवारियों का ग्रेड पे 2800 रुपए किया जाएगा, वहीं उनकी बाकी मांगों पर भी विचार किया जाएगा। पटवारी प्रभुलाल कोचले, चंद्रपाल सिंह भाटिया, प्रेम सिंह मुजालदे ने बताया कि प्रदेश सहित जिले भर के पटवारी पिछले 23 दिनों से हड़ताल पर हैं। रोजाना अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तिरंगा यात्रा, इसके बाद अपने बस्ते भी जमा कर दिए। पिछले 23 दिनों से राजस्व संबंधी काम ठप पड़े हुए हैं। ग्रेड पे बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर है। सरकार ने अभी तक संगठन से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक है, हमारी मांग पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम मांगते। नहीं हो रहा, प्रभावित हो रहा है। आप मौके पहुंचे, इनसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत? देखिए, पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार के कुशासन से दुखी और परेशान नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, वो लगातार अपनी जायज़ मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे जो पटवारी साथी हैं, जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और पिछले 18 सालों की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार अपनी मांगे सरकार के सामने जो है उनने रखने का काम किया, लेकिन हर बार से मात्र आश्वासन जो है उनको मिला है। और उनकी जो मांगे, जो आज मैंने जो चर्चा करी सभी साथियों से, मात्र 258 रुपये जो है आवास भत्ता दिया जा रहा है, 300 रुपये पेट्रोल का भत्ता दिया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो पटवारी साथी हैं वो उनका पूरा काम फील्ड में होता है, और ऐसे शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ग्रामीण क्षेत्र, तो विशेष रूप से हमारे जो किसान साथी हैं, किसानों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आज पूरे परिस्थितियों में जो आज जो हालात निर्मित हुए हैं, बाढ़ के कारण जो है हमारे किसानों की फसलें लगभग खत्म हो चुकी, बर्बाद हो चुकी हैं, कई लोग घर से बेघर हो चुके हैं, और ऐसे समय में अतिवृष्टि के कारण भी लोग परेशान हुए हैं। ऐसे समय में जो हमारे पटवारी साथी हैं वो वहाँ पर जाकर के किसानों का सहयोग करना चाहते हैं, किसानों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए तानाशाही की हद देखिए, आज 23 दिन हो गए हैं लेकिन शासन का कोई प्रतिनिधि इनकी आवाज़ सुनने के लिए, इनकी बात सुनने तक के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। हम पहले और हमारे साथी पहले लोग हैं जो यहाँ पर आकर के इनके दुख दर्द हमने समझने की कोशिश की है। तो ये शासन को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से जो है हमारे पटवारी साथियों की जितनी भी जायज़ मांगे जो उनने मुझे अभी बताई हैं, मैं समझता हूँ सारी जायज़ मांगे हैं, और इनको सरकार को बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए तत्काल हमारे सभी पटवारी साथियों की जायज़ मांगों को मानना चाहिए। कांग्रेस समर्थन देगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी, और अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो हमारी निश्चित रूप से सरकार हमारी बनने वाली है। हमारी सरकार बनने के बाद इनकी जितनी भी मांगे उन पर पूरा विचार किया जाएगा। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, ऐसे में सर्वे का काम कैसे होगा? देखिए, ये तो शासन की जिम्मेदारी है, शासन की जवाबदारी है कि हाँ हमारे साथियों के साथ बैठे, उनसे चर्चा करें। मैंने जैसे पहले कहा, 23 दिन हो गए हैं, 23 दिन से यहाँ पे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि आज इस विपत्ति की घड़ी में जो है पटवारी साथी वहाँ पर किसानों के बीच में जाए, अपना काम संभाले, लेकिन ये सरकार जो है तानाशाही हो गई है, चर्चा नहीं करना चाहती, बात नहीं करना चाहती है। तो ये आकर के चर्चा करें, लोग बात करें, इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाओ, इनकी मांगे हैं जो इनको तत्काल जो है मांगी जाए, ताकि हमारे पटवारी साथी अपने काम पर लौट सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।